सूफिज्म की बात चल रही है, तो आप क्या समझते हैं यूसुफ साहब के इनर सूफी होता है कि बंदे का लिवादा? पहले भी बात हुई है वैसे। अच्छा, जब आपने कहा ना कि आंखें बंद की, हाँ जी जब आंखें बंद होती हैं ना जी, तो बंदा तमाम अपने सराउंडिंग से, अपने आसपास से बिल्कुल बेनियाज, बेखबर बिल्कुल अपने अंदर जी। और अपने आप को वो सुन रहा होता है, अच्छा चाहे किसी आवाज को सुन रहा। अच्छा असल में सूफी कोई लिबास चोगा पहनने से कोई सूफी नहीं हो जाता, दाढ़ी बढ़ाने से सूफी नहीं हो जाता। सूफी होने के लिए आपका देखना सूफी, आपका सुनना सूफी, आपका बोलना सूफी, आपका सोचना सूफी। जी बिल्कुल। वो किस तरह से होगा भी? सूफी कोई उसमें राग रंग है, कोई सुरों में है? सुर तो बेसिकली वो जो खालिस होता है, वो उसकी जात है, जो भी खालिस है वो ही है। वो इसमें ये है कि अगर किसी ने आपको बुरा कह दिया, वाह वाह है वो बुरा, लेकिन आपने अच्छा सुना, आपने अच्छा सुना उसे, अगर कोई चीज ऐसी है आपको नजर आई कि वो शौरी तौर पे तो कह लें कि बुरी है, लेकिन सूफी नजर में आप उसमें कोई ना कोई अच्छाई ढूंढ ली, आपने जी बिल्कुल कुछ अच्छा ढूंढ लिया। जी और बोलने, जब आप बोलते हैं तो कई बार सोचते हैं कि यार किसी की दिलाजारी ना हो, मेरा जी ऊंचा बोलने से, अच्छा मेरा इस तरह से बोलने से किसी के कान को बुरा ना लगे। बहुत जी। हमारा जो जीवन है इस वक्त, असल में सूफी का जो जीना है जी वो हाल में होता है, बिल्कुल ना माजी में। माजी तो गुजर गया ना, बेशक हमारे कोई 70% से भी अब लोग जो हैं वो सोचते हैं हम नवाब थे, हमारी गाड़ियां थी, हमारा ये था, हमारा वो था, हमें फलां छोड़ गई, फलां ये हुआ, रोते। मतलब जो आपकी जिंदगी है उससे वो डेड है, जी नहीं रहे आप तो माजी में है ना, जिंदगी तो हाल में है। अच्छा, बहुत से लोग यार देखें गाड़ी होनी चाहिए, कितना मसला बनता है बाइक पे, जिसके पास बाइक नहीं वो कहेगा यार जाना पड़ता है ट्रांसपोर्टेशन, बाइक होनी चाहिए। कि बंदा कहता है यार मेरा अच्छा बड़ा घर होना चाहिए किसी बड़ी सोसाइटी में, और यार मेरे पास ये होना चाहिए वो होना चाहिए। आपने हाल को डेड कर दिया, मुस्तकबिल तो आया ही नहीं, माजी मर गया, मुस्तकबिल पता नहीं आना है नहीं आना, जो मौजूद है उससे तो आप इंजॉय नहीं कर रहे, उसकी तो बेइज्जती कर रहे हैं आप। जो परवरदिगार ने आपको सांसें दी, आपको जीवन दिया, आपको सेहत दी, तो वो इसी तरह से है ना कि मतलब हमने ना तो वहां के रहे ना वहां के, ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, इधर के रहे ना उधर के रहे। बात यह है कि सूफी कहते हैं हक मौजूद, हक मौजूद उनका नारा है, और हक मौजूद के वो मौजूद है, और मौजूद रहना हाल में, प्रेजेंट रहना, ये जिंदगी। बताइएगा हक मौजूद के बारे में कुछ ब्रीफ कर दीजिएगा, क्या मतलब हक? हक हक ताला तो सब जानते हैं जी, बहुत से, क्योंकि सूफी लोग जो हैं वो बहुत से मोहब्बत के नाम रखते हैं अपने प्यारे के, खालिक के। किसी सूफी ने रंजन कहा जी, किसी सूफी ने शाम कहा, किसी सूफी ने प्यारा कहा, किसी सूफी ने साईं कहा, तो उसके जितने भी प्यार वाले मोहब्बत वाले नाम वो सब उसके हैं, क्योंकि वो प्यारा है। सूफी की नजर में वो सिर्फ मोहब्बत करने वाला, वो सिर्फ प्यार करने वाला। हम कहते हैं अल्लाह ताला अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। अच्छा, अब हमने कह दिया, कह तो दिया, कबूल नहीं किया। अल्लाह मियां अपने बंदे को, अल्लाह मियां अपने बंदे को, मुस्लिम क्रिश्चियन ज्यूज हिंदू सिख, अपने बंदे को जी, जब भी बात हुई है इंसान की हुई है, तमाम इंसानियत की हुई है। हम कहते हैं इस्लाम जो है वो आफाकी मजहब तमाम के लिए, ठीक है। अच्छा, अल्लाह ताला अपने बंदे को 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। जब डर लगता है, जब हम बहुत खौफ में होते हैं, तो अपनी माँ के पास जाते हैं। अपनी माँ के पास गए तो एक हम हिसार में आ गए, एक किले में आ गए, एक पनाह में आ गए, एक मोहब्बत में आ गए। कभी माँ के पास किसी सूरत में जाते हुए भी आपको डर लगा? बिल्कुल भी नहीं। नहीं लगा? नहीं। जहां पे डर होगा वहां पे मोहब्बत नहीं होगी। बिल्कुल।
डर स्पेस पैदा करता है, मोहब्बत कुर्बत पैदा करती है। सूफी प्यार करता है अपने रब से, सूफी मोहब्बत करता है अपने रब से, वो भी उससे मोहब्बत करता है। और जब माँ के पास किसी सूरत में भी आके पनाह लेते हैं तो वो तो 70 माओं जितना प्यार करता है ना। फिर क्यों या क्यों ये सोचते हैं वो ऐसे ये वो, प्यार करके देखो ना, स्पेस खत्म करो ना, वो तो आपको 70 माओं जितना प्यार करता है। जहां पे डर है वहां पे मोहब्बत। बहुत बहुत जनाब।